अंधी जेठानी। विशाखा को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी इसी आदत की वजह से अपनी सास लता और देवरानी वंदना से हमेशा किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर काम से बचती रहती। आज विशाखा ने क्या नया बहाना बनाया है, आइए देखते हैं। वंदना, आज सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। आज घर का काम तुम्हें ही करना होगा। और हाँ, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना प्लीज़। हाँ भाभी, अभी लेकर आती हूँ। वंदना किचन में जाकर काम करने लगती है, तभी उसकी सास उसे पूछती है, वंदना तुम किचन में अकेली क्यों काम कर रही हो, तुम्हारी वो कामचोर जिठानी कहाँ है? माँ जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं उनके लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ। अब क्या हो गया इस बीमारी की झड़को, ये तो जब से शादी होकर इस घर में आई है तब से बीमार ही रहती है। इस तरह विशाखा काम से बचने के लिए कुछ न कुछ बहाना बना ही लेती। एक दिन विशाखा ने सोचा, कब तक मैं इस तरह के छोटे मोटे बहाने बनाती रहूंगी, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मुझे जिंदगी में कभी काम ही ना करना पड़े। एक दिन विशाखा देर तक सोती रही तो लता उसे उठाने गई। विशाखा बहू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी देवरानी सुबह जल्दी उठकर काम में लगी हुई है और तुम अभी तक सो रही हो। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, वैसे आज कौन सी नई बीमारी हो गई आप? माँ जी, मैं सुबह जल्दी उठी थी लेकिन मेरी आंखों में जलन हो रही थी तो मैं दोबारा सो गई। आंखों में बहुत दर्द भी हो रहा है। बहू, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। माँ जी, मैं आपके साथ चल तो लूँ पर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मैं रास्ते में कहीं गिर गई तो? अरे तू कहाँ गिरेगी, तू तो हम सबको गिरा कर ही गिरेगी। माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? मैं यह कह रही थी बहू कि तुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा, तो तू जल्दी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए। लता विशाखा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। विशाखा डॉक्टर को रुपया देकर सारा मामला फिट कर देती है। डॉक्टर बाहर आकर लता से कहता है, आपकी बहू की आंखों की रोशनी चली गई है, माफ कीजिए पर वो अभी कभी नहीं देख पाएगी। ये सुनकर लता को बहुत दुख होता है। वो अपनी बहू को घर लेकर आती है। अब सास और देवरानी उसकी बहुत सेवा करती। विशाखा सोचती है, मेरा भी जवाब नहीं है, कितना अच्छा बहाना बनाया है मैंने, अब बेचारी वंदना को ही सारा काम करना पड़ता है। चलो सही है, सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो, और फिर भी सासू माँ की चार बातें सुनो। विशाखा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसके पास लता और वंदना आई। विशाखा बहू, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। काश मैं देख पाती माँ जी कि आप दोनों मेरे लिए क्या लाई हो। भाभी आप दुखी मत हो, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं भी माँ जी के साथ आई हूँ? वो मुझे लगा कि दो लोगों के पैरों की आवाज है तो मैं समझ गई कि माँ और तुम्हारे सिवा और कौन आएगा मेरे पास। वैसे क्या लाई हो ये तो बताओ। बहू, मैं तुम्हारी और वंदना के लिए साड़ी लाई हूँ, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। माँ जी, मैं ये वाली, मेरा मतलब है इनमें से कोई लाल रंग की साड़ी है क्या? हाँ बहू, है ना इसमें लाल साड़ी। हाँ तो माँ जी मुझे वही दे दीजिए। लता विशाखा को लाल साड़ी दे देती है, लेकिन विशाखा की हरकतों ने वंदना के दिल में शक पैदा कर दिया। भाभी सच में अंधी है या हमें बेवकूफ़ बना रही है? पहले तो इन्हें ये पता चल गया कि कमरे में दो लोग आए हैं, उसके बाद भाभी ने बिना कुछ बोले ही ये वाली कहकर साड़ी भी पसंद कर ली और बाद में लाल साड़ी की बात कहने लगी। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अब वंदना हमेशा ये चेक करने लगी कि विशाखा अंधी है या नहीं। एक दिन वंदना ने अपनी जेठानी को चाय दी और जानबूझकर उसके कपड़ों पर गिरा दी। ओह सॉरी भाभी, गलती से गिर गई चाय। वंदना अंधी मैं हूँ, काम तुम कर रही हो अंधे वाले, चलो मुझे बाथरूम में लेकर चलो। वंदना विशाखा को बाथरूम में ले गई और खुद बाहर खड़ी हो गई। जब विशाखा बाहर आई तो वंदना सोचने लगी, अरे ये क्या, भाभी के कपड़े वहीं से भीगे हुए हैं जहाँ जहाँ चाय गिरी थी। अगर इन्हें दिखाई नहीं देता तो इन्हें कैसे पता चला
कि चाय कहाँ गिरी है और कपड़े कहाँ कहाँ से साफ करने हैं। इसी तरह एक दिन वंदना टीवी देख रही थी, तभी वहां विशाखा आ जाती है। अरे वंदना, तुम चालबाज सीरियल देख रही हो ना? हाँ भाभी, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो इसलिए क्योंकि मैं इस सीरियल के म्यूजिक को अच्छी तरह पहचानती हूँ। ठीक है भाभी, आप बैठिए, मैं छत पर जा रही हूँ। वंदना छत पर जाने का बहाना बनाकर छुपकर विशाखा को देखने लगी। अब विशाखा ने चारों तरफ देखा और टीवी का रिमोट उठा लिया। रिमोट उठाने के बाद वो कभी रिमोट की तरफ देखती तो कभी टीवी की तरफ, और चैनल चेंज करने लगी। अच्छा, तो भाभी अंधी है ही नहीं बल्कि अंधे होने का नाटक कर रही है। ये इतने दिनों से हम सबको पागल बना रही है। अब मैं माँ जी के सामने इनकी पोल खोल कर रहूंगी। एक दिन वंदना और लता बैठकर बात कर रही थी, तभी विशाखा वहां आ गई और विशाखा उनके पास बैठने लगी। तभी वंदना ने विशाखा की सीट पर कैक्टस का पौधा रख दिया और विशाखा उस पर बैठ गई। वंदना, तुमने ये क्या किया? क्या किया मैंने? मेरे नीचे ये कैक्टस का पौधा क्यों रख दिया? देखो कितना दर्द हो रहा है मुझे। नहीं तो भाभी, मैंने नहीं रखा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे सिवा और कौन रखेगा? मैं तुम्हारे पास आकर बैठी हूँ, माँ तो दूर सोफे पर बैठी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर भाभी, आपको कैसे पता चला कि माँ जी दूर सोफे पर बैठी है? विशाखा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी लता वंदना से कहती है, वंदना बहू, देख तो जरा ये बड़ी वाले कितने जल्दी जल्दी चल कर गई, ये ऐसे तो नहीं चलती, और इसे कैसे पता कि मैं यहाँ बैठी हूँ दूसरे सोफे पर? वंदना को तो पता ही था कि विशाखा झूठ बोल रही है, लेकिन अब लता को भी इस बात का शक होने लगा। इसी तरह एक दिन वंदना अपनी अंधी जिठानी और सास से कहती है, माँ भाभी, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो ना छत पर चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, चलो वंदना, विशाखा को तुम ले चलो, उसका हाथ पकड़ लेना। वंदना ऐसा ही करती है। छत पर जाने के बाद वो सास को लेकर छत के दरवाजे के पीछे छुप जाती है और दोनों विशाखा की हरकतें देखने लगती है। देखिए माँ जी, भाभी अंधी नहीं है, वो अंधी होने का नाटक कर रही है। विशाखा ने छत पर आने के बाद पहले तो सबको आवाज दी, लेकिन जब उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो उसने समझ लिया कि छत पर कोई नहीं है। वंदना ने छत पर स्केट्स रखे थे। विशाखा हर बार स्केट से बचकर निकल रही थी। वो छत पर लगातार टहल रही थी, लेकिन एक बार भी छत की मुंडेर के पास नहीं गई। हाय हाय बहू, ये तो हमें इतने दिनों से पागल बना रही है, रुक अभी बताती हूँ इसे। नहीं माँ जी रुकी, जैसे भाभी ने हम सबको बेवकूफ बनाया है, हम भी ऐसे ही इनको मजा चखाएंगे। अब शाम को लता, वंदना और विशाखा के पति नीरज ने विशाखा से कहा, विशाखा बहू, मैं नीरज की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। क्या, ये क्या कह रही हो माँ? मतलब मेरे होते हुए आप मेरे पति की दूसरी शादी कैसे करवा सकती हो? विशाखा गुस्सा मत हो, बस ठंडे दिमाग से सोचो, मुझे अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं और तुम्हारे भी कई काम मैं ही करता हूँ। अगर मेरी दूसरी पत्नी होगी तो हम दोनों का सहारा हो जाएगा ना। अरे घर का काम तो वंदना कर ही लेती है, अगर ज्यादा परेशानी है तो कोई नौकरानी लगा लो। भाभी, नौकरानी घर को नहीं संभाल पाएगी, और मैं अकेली भी तो घर का सारा काम हमेशा नहीं कर सकती, मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ तो थक जाती हूँ। तो तुम घर के काम के चक्कर में मेरे पति की दूसरी शादी करवा दोगे क्या? मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम भी इसी घर में रहना मेरे साथ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। बहू, हमने कल लड़की वालों को भी बुला लिया है, तुम भी कल मिल लेना उनसे और कह देना कि तुम्हें शादी से कोई एतराज नहीं है। क्या, हाँ आपने मुझसे बिना पूछे लड़की वालों को भी बुला लिया? माँ आप कैसे कर सकती हो ऐसे मेरे साथ? अरे बहू, हम क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है, तुम अंधी हो ना? मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने ये सब काम से बचने के लिए किया है। विशाखा ये बोलकर चुप हो जाती है। बोलो आगे, बोलो चुप क्यों हो गई, बताओ हम सबको तुमने कैसे बेवकूफ बनाया। विशाखा ने सारी बात बता दी। सभी ने उस पर गुस्सा किया। तब लता ने उससे कहा, बहू, तूने काम से बचने के लिए हम सबसे झूठ बोला, आज से तू ही सारे घर का काम करेगी, वंदना और मैं कुछ काम नहीं करेंगे, समझी?